मुदलाय महोदय, पत्तान साहब, नगराइट साहब और सभी अधिकारीगण, यहाँ आए हुए मेरा साथियों, हम लोग प्रयास किए हैं, मान के जा रहे हैं, थोड़ा बहुत नियंत्रण किए हैं और करेंगे आगे भी, ताकि अकेले एक आदमी हम कर नहीं सकते हैं, ऐसे टीम हम लोग काफ़ी ताकत मंदी हो जाते हैं। वैसे जानते हैं हमेशा ये बीमारी का, थोड़ा गौर से सुनिए मेरा बात, ताकि दूसरे साल हम लोग जूझ रहे हैं इसी पे, और मन में रखिए ये 3-4 साल हम लोग के बीच में रहने वाली है, ये अभी जल्दी नहीं जाने वाली, बहुत लोग का और परेशान करने वाली है। गैर से रखिए मन में, जिंदा रहने तक, तब जिंदा रह पाएंगे। मैं सच में कह रहा हूँ, बहुत सारे रिसर्च के बात कह रहा हूँ, तो फील्ड में 24 घंटे काम करने की बात कह रहा हूँ, ताकि कैसे रूप ले रही है, ताकि पूरा ये ग्लोबल विलेज कहते हैं, भले हम भारत में भी इसको कंट्रोल कर लेंगे, अन्य देश से कंट्रोल यदि नहीं होता है उसका लापरवाही का भी सजा हमें भोगना पड़ता है। और यहाँ भी यदि मान लीजिए गोरखपुर हम नियंत्रण कर लेंगे, दिल्ली में कोई लापरवाही होता तो उसको सजा हमें भोगना पड़ता है। ऐसे हमें नहीं पता कितने वेव वो आगे आने वाली है और किन किन को और ले जाने वाली है। हाँ, ये जरूर निश्चय है, कप्तान साहब को सही बताया, जो देश का असली कुंजी आप ही लोग हैं, बाकी चीज तो बनती है बिगड़ती है, उसका जनता है वही देश है, हम ही देश है, उसका कोई राज्य अलग बनता है, हम लोग बनाते हैं, बाकी चीज चलाते हैं, वो हम लोग को सुविधा के लिए, पर कितने सतर्क हैं हम, नागरिकता कितने जागरूक है, उसी हिसाब से उसके देश सर उठा के आगे जाएगी, नहीं तो किसी के सामने झुकेगी। और देश में, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, अपने नागरिक का केवल संवेदनशील कराते हुए, बहुत गरीब गरीब देश है, छोटे छोटे देश में गिन सकता हूं, केवल मास्क पहनने से इस समय में आजाद हो गए हैं कोरोना से, बहुत सारे देश अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आजाद हुए हैं, जैसे इसराइल के नाम सुने होंगे और 2-3 देश के नाम सुने होंगे, और छोटे छोटे देश जैसे भूटान है, जैसे जो जापान है, यहाँ ऐसे कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं किए, बट इतने कर्मठ है लोग, यदि वहां आदमी को कह देता, जो नेता कह देता घर पे भी बला जोर, मुखिया कह देता उसको अक्षर पालन करते हैं, उसका जिंदगी इसलिए बचा हुआ, बट हम कहां खो गए, हम लोग का जिम्मेदारी मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये कहां तक है, दिन रात भर लाशें गिनते रहेंगे हम लोग बैठ के, और जो उंगली उठा के आप बताइए कोई परिवार छूटा है इसको, मैं भी खुद तंग संक्रमित था, मेरा परिवार, सभी लोग अफेक्ट हुए हैं, मैं अभी मेरा परिवार दूसरे जगह बेच के काम कर रहा हूँ ताकि उनको दोबारा ना हो जाए, ऐसे नहीं बहुत लोग ऐसे हैं, हम लोग को पता है कल परसों हमें भी आ जाएगा तो हम कुछ जाना पड़ेगा तो जाएंगे, बट कब तक ये लापरवाही चलेगी, कब तक है? देखिए आपके वजह बहुत सारे चीज बचाए आप लोग, ताकि आप फील्ड में जाते हो आप जानते हैं, इतिफाक से बीमारी ऐसे है, बीमारी जो वायरस है हम ही लोग का इस्तेमाल करता है, जो उसी का हम ही लोग का, यानी जो कितने आदमी मिलते जुलते हैं उसी के हिसाब से चलता है, यदि आदमी सावधान नहीं रहता वही रुक जाता है तुरंत, तो सीधे सीधे हमारा हैबिट से, वातावरण से सीधे सीधे जुड़ है उसका, जो सरकार बार बार 3 चीज कह रही है, मास्क पहनो, 2 गज का दूरी बनाओ और हाथ बार बार धोले, कौन सी बड़ा महंगा वाली चीज है ये काम, पर आदत क्यों नहीं डल पा रहे हम लोग, लापरवाही कहां घूम के कहां जा रहे हैं हम लोग, हम तो अगले दिन में हमारे बच्चे भी खोएंगे तो कोई पीढ़ी नहीं बच जाएगी तब हम मानेंगे, ये कहां तक करेंगे हम लोग। देखिए बस सब लोग काम कर रहे हैं, बीच में बहुत लोग डर भी गए थे, बहुत लोग गुस्सा भी करते हैं, वाकई में सही भी है, तब उन लोग को जान बचा पाए, अभी देखिए हम तो आगे जून 15 तक बेड का संख्या इतनी वृद्धि कर रहे हैं, बेड का कोई कमी नहीं रहेगी, हर 5 किलोमीटर में का 50-50 बेड मिलेगा, 5,000 बेड हम बनाने जा रहे हैं, उसका मतलब ऐसे नहीं है तो फिर और मरीज हम जोड़ते जाएंगे, तब तक नीचे बीमारी फैलना नहीं रोकेगा, हम कितने भी प्लान करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। गोरखपुर गए मैं तो स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, तकरीबन 55 लाख से 7 लाख जनसंख्या है गोरखपुर जनपद का, अब तक 60,000 लोग, तकरीबन 55,000 से 60,000 लोग पहला सेकेंड वेव दोनों में मिलते हुए संक्रमित हो चुके हैं, और अभी तो हमारा ग्राफ थोड़ी बहुत गिरी है,
फिर भी 200 से 300 केस अभी भी आता है। अब हो सकता है एक सप्ताह 10 दिन में तो दोबारा लॉकडाउन खोलना पड़ा, मजबूरी है, ताकि बहुत सारे लोग भूखे ना रह जाए, इसलिए तो सरकार को भी निर्णय लेना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ताकि एक तरफ बीमारी है, एक तरफ से आर्थिक व्यवस्था को भी जारी रखना है। बहुत बड़ा चुनौती है देश में, कोई भी वैसे देश नहीं है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जो भी देश गिने इसके सामने झुका नहीं है। आगे तक देखिए, जो नागरिक इतने ताकत देते हैं उसी हिसाब से सरकार चलाती। देखिए आपका मंशा कोई भी हो, मान लीजिए आप नेता चुनने का अधिकार आपका हमेशा है, हर 5 साल के एक बार कोई भी नेता चुन ले, तो आपका मर्जी है। आपको जो तो मन में जो किसी का पसंद करते हैं ना पसंद करते हैं वो आपका मर्जी है, बट ऐसे नहीं हमारा लापरवाही हुआ जो और किसी का जान चले जा रही है वहां तो आलो करेंगे। देखिए आप निगरानी समिति का मैं यही निवेदन करता हूँ, पार्षदगण ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत मेहनत की है, अब लोग फर्स्ट वेव में इतने मेहनत किए इसलिए तो लग ही नहीं रहा तो कोरोना कैसे आया है कैसे चला गया। इस बार जरूर तो वेरिएंट अलग है, ताकि बहुत तीव्रता, तीसरे दिन में फेफड़े में 80% खत्म हो जाता है, पांचवें दिन में आदमी का सांस फूल जाता है, सातवें दिन में मर जाता है, हम लोग का समय ही नहीं बचता है, और हजारों हजारों आदमी एक दिन में आ जाता तो किसको बेड दें। हम लोग ऐसे भी हालत में थे, एक दिन में 100 लोग लाइन पे थे एक बेड के लिए, मरने के लिए इंतजार कर रहे, तो आदमी मरेगा तब वो बेड मिलेगा, तो और दोबारा वो स्थिति कतई हमारे जिंदगी में किसी के जिंदगी में देखने नहीं मिलना चाहिए। तो उसको वो कैसे करेंगे, इसको जो केवल हंसी मजाक नहीं है, वाकई में वो कह रहा हूं तो कम से कम 3 साल हमारे साथ रहने वाली बीमारी है। तो सब लोग अपने परिवार में सुरक्षित रखें, आपको सुरक्षित रखें, आपको मोहल्ला में दिए हुए जो कितने जिम्मेदारी है, 700 रुपये जो एक वार्ड है या 70 वार्ड है, मोटा मोटा आप मान सकते हैं एक वार्ड में तकरीबन 30 से 40 हजार लोग रहते हैं, परिवार की संख्या मानेंगे तो 2000 परिवार होता है, बस उसका लगातार निगरानी करना, उसको हमारा परिवार के रूप से स्वीकारना है, ये बहुत जरूरी चीज है। ऐसे नहीं तो दूसरे किसका इसे घर पे मौत होते तो हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे घर पे भी होने वाले हैं, तब सभी को एक परिवार के रूप से टीम के रूप से हम ना काम करेंगे कोई फायदा नहीं। जो लापरवाह उनको सजा मिलेगा, उनके लापरवाही की सजा हमें भी मिलेगा, मतलब हम ऐसे टीम ऐसे परिवार काम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं तो झुकने वाले हैं, कहीं ना कहीं खत्म होने वाले हैं। तो तीसरा वेव का हमने जैसे कप्तान साहब ने बताया 2-3 इंडिकेशन है, मुझे नहीं पता है कितने होने वाले हैं, मैं आपको फिर भी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इसके बच्चे का ऊपर असर पड़ने के लिए संभावना ज्यादा है। देखिए हम एक तरफ से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, एक तरफ से जो संक्रमित होते हुए कितने लोग निकलते हैं उनका कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक दोबारा संक्रमण नहीं होगा, ये तो साइंस है, ताकि अंदर का जो एंटीबॉडी होता है वो ताकत दे देता है कम से कम, वो भी 3 महीने 6 महीने के लिए। नोट करिए वैक्सीनेशन कितने लोग लगाए, टीके लगाए कितने लोग, वो भी 3 से 6 महीने तक ही असर करता है। यदि मान लीजिए उसके जगह दूसरा दुश्मन आ गया, कुत्ता की जगह बिल्ली आ जाएगा, तो उसको नहीं लड़ पाएगी हमारा शरीर, और वायरस इतने ताकतवर है, उतने वो सिंगल स्ट्रेन आरएनए कहते हैं, यानी वो इतने तेज तीव्रता से वो बदलती जा रही है, हर कंट्री में स्ट्रेन अलग है, हमारा भारत में अब तक 16 स्ट्रेन आ चुकी है, अभी हम लोग मार खा रहे हैं ना, इसका नाम तो B1614 बिल्कुल अलग है, ये दुनिया में नहीं है, ये स्ट्रेन तो फिर जाएगा कहीं घूम के, अब और कोई स्ट्रेन आ सकता है, मतलब नया नया तरीके से बदल 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 करके आ रही है वो, एक तरफ से वो हमारा बॉडी पहचान नहीं पा रही, इसलिए केवल वैक्सीनेशन नहीं बचाती है, हमारा आदत है, जो हमारा जो वातावरण में हम लोग कितने नियंत्रण कर रहे हैं यही तो बचा पाती है हमारा। और दूसरा चीज है, अब स्कूल ईद तो खुला नहीं है, भले लॉकडाउन में बच्चे अंदर है खेलने के लिए भी बाहर नहीं आ रहे, हो सकता है तो घर पे कोई पीड़ित होता तो बच्चे के आने के लिए चांसेस ज्यादा है। दूसरा और भयंकर चीज है, आपको सुनने के भी आ रहा होगा, कितने पीड़ित लोग जो कोरोना से निकल के आ रहे हैं उन लोगों को बहुत सारे साइड इफेक्ट आ रहा है, ब्लड फंगस का नाम सुने होंगे पढ़े होंगे, वाइट फंगस का नाम सुने होंगे, बहुत सारे लोग हार्ट का हार्ट अटैक से मर रहे हैं कोरोना के बाद, यानी कोरोना से बच रहे हैं और किसी बीमारी से जाके मर रहे हैं, ताकि कोरोना का जो इतने जो कमजोर कर देता है आदमी का अंदर का शरीर को बिल्कुल तोड़ के रख देता है, बिगड़ के रख देता है, उसके बाद पूरे जिंदगी वो आदमी वापस नहीं आ पाता उस स्थिति पे, कितने भी कम उम्र का हो, 25 साल का 30 साल, इसलिए ऐसे नहीं तो एक बार कोरोना हो गया तो मैं ठीक हो गया, उसका असर 2 साल के बाद पड़ेगा, 3 साल के बाद पड़ेगा, तब पता चला तब हार्ट अटैक होता है, किसी का स्ट्रोक होता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, इसलिए आना से जो बीमारी आने से बचना ही तो हम लोग का एक ही बेहतर उपाय, आने के बाद ऐसे नहीं तो हमें आ गया है दोबारा क्या होगा, दोबारा रीइन्फेक्ट भी हो रही है, हमारे बैच के बहुत लोग हैं,
पहले बार कोरोना हुआ है दोनों वैक्सीनेशन लगने के बाद, फिर दोबारा आया 6 महीने के बाद। इसलिए ये जो विंडो पीरियड है ना केवल कुछ समय के लिए 3-4 महीने के अंदर, बट वो 3-4 महीने हम सब लोग मिलकर के ताकत के साथ हम एकजुट रहेंगे, वायरस जरूर समूह से बाहर निकल जाता है। हम तो कम से कम 1 महीने के लिए छुट्टी तो, 1 साल के लिए छुट्टी तो करना ही पड़ेगा। सब लोगों को तो परेशानी तो होता है, बट ये तो कुर्बानी, छोटी सी कुर्बानी है, ये देने से किसी के जान बचता है तो कौन सी बुराई है। तो आपका कहीं सिनेमा जाना है, कहीं टूर में जाना है, किसी शादी पे जाना है, अवॉइड करिए, कोई बुराई नहीं है। तो किसी दिन में एक दिन भी जो है ना बीमारी आ जाता है, पता नहीं चलता दूसरा तीसरा दिन में सबको हो जाता है। किसी घर पे जो गम हो जाता है बहुत दुखद होता है। देखिए कोरोना से मरने से बेहतर दुर्भाग्य मृत्यु कुछ नहीं होता है। आप बताएं वो मन में रखिए, मैं भी आपका परिवार के सदस्य हूँ, इसलिए मुझे अधिकार बनता है आपको बताने के लिए। बाकी हम सब मिलके लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे। जय हिंद।